आप लोगों के एडिट्स पर हम रिएक्शन करने वाले हैं। एल्विश यादव प्लस रजत दलाल की एडिट्स पर जबरदस्त रिएक्शन होने वाला है, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन। अच्छा, एल्विश यादव को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बाकी रजत दलाल को आप अब जानने लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। कंट्रोवर्सी थीम की, लेकिन अब वो बिग बॉस में आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब बहुत सी जबरदस्त सी वीडियोस जो आप लोगों ने एडिट की है, हम आज उस पर रिएक्शन करने वाले हैं। तो मैं बिना देर किए चलते हैं, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना खूबसूरत से हंसो दे, खूबसूरत से कमेंट हमें जरूर करें। तो आए हमारे गाइस, हम सारे लोग आ रखे हैं मुंबई किसी रीजन से। मैं शूट के लिए आया था, बट एक उससे भी बड़ा रीजन है, अपने रजत भाई जा रहे हैं बिग बॉस 19 में। तो कहाँ है, इतने फ्लैश मुंह पे लग रहे, दिख भी नहीं रहा। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस बिग बॉस 19 ऑन कलर्स चैनल, आई गेस अभी तक तो इतना ही पता है। बाकी भाई एक बार पब्लिक को बताओ क्या बोलना। तो भाई सारे भाइयों ने अब तक सपोर्ट करा है, प्यार दिखाया है, ऐसे ही आगे प्यार दिखाते रहना और साथ लेके चलना। उम्मीद करूंगा किसी को निराश करूं ना, और आगे पीछे की सारी चीजें भाई भूल देना, माफ कर देना अगर कुछ भी चीज किसी को बुरी लगी हो। जिस तरह से प्यार बना के रखा है, आगे भी ऐसे बना। भाई हमारा सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत, सारी चीजें भाई के साथ है, और बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। जब वो कायदे से देखी जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके दो दिन बाद एक और अचीवमेंट आएगी, वो भी रिवील करूंगा, मैं अभी नहीं करूंगा, बट मजा आ गया। कटारिया कटारिया जाओ, तीन तीन बिग बॉस वाले, एक OTT3 OTT2। भाई रजत भाई के लिए वैसे सिस्टम हैंग रखना है जैसे पहले रखा है इसके सीजन में भी, मेरे सीजन में भी। और ट्रॉफी भाई इस बार पक्का लेगा, ट्रॉफी इस बार ही हरियाणा है, हरियाणा बैक टू बैक हरियाणा के छोड़ो, ये वाला भी जीते। ढंग से खाना तो खा लिया, ये क्या है, डिजाइन है, डिजाइन है भाई, होता है भाई। तुम तो नकली वाली जा रहे हो, ऐसी गलती हो गई आया हूं। तो करण जी सर, एक शो तो जीत लिया आपने, अब ये बाजी मारनी है आपको, तो देख लीजिए कम से कम गलतियां, और रजत भाई से जरा बच के। मौज करती लड़के ने, इसका भी देखूंगा पूरा। ऑल द बेस्ट माय ब्रदर। अभी तो भाई रजत भाई की एंट्री देख लेते, कल से अपने पूरा एक तरफा सपोर्ट रखना, ठीक है भाई। रजत भाई की एंट्री होगी, अब देखूंगा क्या सलमान भाई के साथ क्या। भाई गेमर्स और एंटरटेनर्स ढूंढ के लाए हो आप लोग, बहुत ही तगड़े, सो कांग्रेचुलेशंस। बस भाई एंकर्स में चूक हो गई, वो पुराने वाले ही लाने पड़ गए। एंट्री जो है का पिछले सीजन का फोटो है, बताओ कितना, 10 out of 10 में से कितना? तो मेरे हिसाब से मैं इसको रेट करूंगी 6 out of 10। रीजन पर ये चश्मा, आई मीन ड्रेस के साथ मैच भी नहीं कर रहा था। ट्रस्ट मी, अगर कोई नहीं जानता होता कि आप एल्विश यादव हो ना, वो आपको सड़क पार करा देता लिटरली। पहले यार गए यार, मेरे को नहीं यार, अब करने चलो शायद। तो मेरी टीम में से सबसे पहले हथौड़ा मारेगी ख्याति, तो मारो मुनावर, मुनावर के खोपड़े पे दूंगी। अभी तो भाई रजत भाई की एंट्री देख लेते, कल से अपने पूरा एक तरफा सपोर्ट रखना, ठीक है भाई। रजत भाई की एंट्री होगी, अब देखूंगा क्या सलमान भाई के साथ क्या बातचीत होती है, ठीक है जी। लाइक अपडेट के मुताबिक जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल नाम रहा 2024 में, वो नाम रजत दलाल है, और अब जो है फाइनली उनकी एंट्री बिग बॉस सीजन 18 में। भाई एल्विश सपोर्ट कर रहे आउट ऑफ नोवेयर उसने एक रोस्ट वीडियो बनाया जिसमें उसने मेरा मजाक उड़ाया। अब जब मैंने कभी किसी को कुछ गलत बोला ही नहीं है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा नहीं ना कि सामने से वो ये चीज करे। आप अगर रोस्ट बना रहे हो या तो परमिशन ले लो, अगर आपके पास इतनी ऑडियंस है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप किसी को डिफेम ना करो। करेक्ट है, अगर उसने वो चीज करी तो उसके बाद एक्शन के बाद रिएक्शन में मैं ये चीज नहीं देखूंगा ना कि फॉलोअर कितने हैं या बंदा कौन है। गलती करिए तो भाई भुगतो, और अगर भुगत नहीं सकते तो गलती करी क्यों थी। तो रजत भाई किसी ने कुछ कहा, अब जैसे सड़क पे आप चल रहे हो तो कुत्ते भौंक रहे हैं, तो आप थोड़े ना जवाब दोगे। सड़क पे कुत्ते के 42 million फॉलोअर नहीं होते ना। पॉलिटिशियन हो? नहीं नहीं भाई, हाथ जोड़वा लो, इन चीजों से कभी बनना भी नहीं। आप एक्टर हो? कुछ भी नहीं हूँ मैं।
मतलब बहुत क्या वर्ड यूज करो ओवर कॉन्फिडेंट तो ओवर कॉन्फिडेंट तो छोड़ इनका क्यों फेस खराब कर रहा है मैं कह रहा हूँ देखो एक तो मैम अपने दिमाग से निकाल दो कि एल्विस भाई है वोटिंग में जिता देगा एल्विस भाई वोटिंग अपने लिए करवाता है ठीक है मैं कह रहा हूँ गौरी गौरी तुम्हारा सूट अच्छा लग रहा है यार मेरे को पर्सनली सूट अच्छे लगते हैं तो प्रेस नहीं किया प्रेस नहीं किया आ, ये तो और अच्छे लगते हैं मुझे बिना प्रेस वाले सूट प्रेस से तो तुझे ऐसे ही प्रॉब्लम है आई विल गिव यू 10 आउट ऑफ 10 थैंक यू लिपस्टिक थोड़ी कम होती तो मैं 11 देता वो गेम बहुत खेलता है क्या तू तैयार करने वाली बारबी डॉल्स बेचारी इसका क्या नहीं हूं एल्विस यादव जैसा हेलो नावला मेरी वैनिटी में आना तुम आप में क्या खूबी है जो औरों में नहीं है मैं बहुत अच्छा कुक हूँ जेन्युइनली ज्यादा बढ़िया नहीं पकाता भी बढ़िया हूँ और खिलाता भी बढ़िया हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई मेरे हाथ से खाना खाए और खुश होए तो आपने रीजन क्या बनाया था मैंने अभी बनाया अजय को सब मिलके बहन के लोटे रजत लाल को पकड़ लो 10 बंदे मिल जाओ रजत लाल को 10 के 10 की गांड फाड़ सकता हूँ आपको पता है अविनाश हमने एल्विस को क्यों सम्मानित किया मेरी वजह से दिखा होगा थोड़ा रजत दलाल क्या बात है भाई बहुत बड़े एक्टर हैं अरे एक्टर नहीं है क्रिएटर है भाई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में भाई का जवाब नहीं भाई ये पंच जो है पहले मैं मारने वाला था फिर भारती ने आपके बारे में मुझे बताया तो मैंने सोचा भारती प्लीज ये पंच तू बोल दे क्या नेशनल टीवी पे कोई लड़की पे हाथ नहीं उठाता ना तू अंदर भिड़ सकता ना बाहर भिड़ सकता बाहर तेरी औकात नहीं और अंदर आके देख ले आ, क्या बहुत बड़ा गुंडा तो बहुत बड़ा गुंडा तो तो भाई ये थी रजत दलाल की और एल्विस यादव की फैन एडिट्स के ऊपर तो भाई जिसको एल्विस यादव कर रहे हो तो भाई उनका तो फिर फैन फॉलोवर्स आपको पता ही है कि कितने हैं उनके चाहने वाले कितने हैं फिर जिनको वो फॉलो करेंगे लोग तो भाई भाई पसंद करेंगे आप लेकिन अब ये भी है ना कि रजत दलाल अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता है बिग बॉस में अच्छा बोलने में तो उसका कॉन्फिडेंस और उसका बहुत जबरदस्त है लेकिन देखा जाए कटारिया को एल्विस यादव सपोर्ट कर रहे थे लेकिन कटारिया ने अच्छा अपना रिजल्ट दिया था बिग बॉस में मजा आया था उसको देखते हुए तो अब इनका देखते हैं कि क्या होता है लेकिन इनके बोलने के अंदाज से और जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत ज्यादा ही हाई है अब वो देखने में आएगा कि आखिर तक टिकते हैं या नहीं टिकते या कैसा लोग पसंद करते नहीं करते तो मेरे हाथ तो आपको पता है कि पल में कुछ और पल में कुछ हो जाता है बिग बॉस का तो कुछ नहीं पता कैसी लगी आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कीजिए आपके कमेंट्स की आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को देखने के लिए और बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को देखते तो हैं लेकिन प्लीज सब्सक्राइब नहीं करते हो लाइक और कमेंट जरूर किया करें कमेंट कर रहे लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारी वीडियो को वॉच करके कम से कम हमें कमेंट्स तो करते हैं हमारी गलतियों को बताते तो हैं तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक तो बहुत ख्याल रखिएगा अपनी दुआओं में हमें याद रखें अपना ढेर सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़ धन्यवाद।